दोस्तों, स्वामी हरिदास जी के पहले वीडियो में जैसा कि मैंने उनके जन्म, उनके माता पिता, उनके जन्म के विषय में अनेक प्रकार की किंवदंतियां और उनका सर्वसम्मति से जन्म सन 1527 बताया है, आज मैं स्वामी हरिदास जी का संगीत के क्षेत्र में योगदान और साहित्य के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करूंगी। स्वामी हरिदास जी ने अपना दो प्रकार से योगदान दिया है, संगीत के क्षेत्र में और दूसरा साहित्य के क्षेत्र में। संगीत क्षेत्र में योगदान में, संगीत के क्षेत्र में इनके 125 पद संग्रहित हैं। बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। स्वामी हरिदास जी के विषय में और उनके संगीत और साहित्य में योगदान के विषय में, उनकी रचना के विषय में, उनके पदों के विषय में विस्तृत जानकारी इस वीडियो द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने कुछ टॉपिक्स भी मुझे लिख कर दे सकते हैं, जिस पे मैं चर्चा कर सकूं और आपको जानकारी प्राप्त करा सकूं। स्वामी हरिदास जी केलिमाल नाम की रचना के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। केलिमाल में 11 रागों का प्रयोग स्वामी हरिदास जी ने किया है। उनकी रचना में, उनका जो ग्रंथ है केलिमाल में, राग नट के 2 पद, राग कांधड़ा के 30 पद, कल्याण के 12 पद, राग सारंग के 11 पद, राग विभास के 10 पद, राग बिलावल के 2 पद, राग मल्हार के 8 पद, राग गौड़ के 2 पद और राग बसंत के 5 पद प्रयुक्त है। तंतु वाद्यों में अर्थात तारों वाले वाद्य जैसे कि वीणा, सितार, वायलन, दिलदुबा जो आजकल प्रचलित हैं वाद्य, तो तंतु वाद्यों में किन्नरी और अघोटी के साथ ही रबाब जैसा अभारतीय वाद्य भी पदों में चर्चा का विषय बना है। अमृत्य वाद्यों में मृदंग की चर्चा है तो ढप जैसे अभारतीय वाद्य की भी चर्चा है। घन वाद्यों में ताल है तो शुशिर वाद्यों में बंसी स्वामी जी के पदों में आई है। सुर देना, आलापना, लाग डाट, उरप तिरप, चंद्रा गति, औघर ताल देना, तांडव, लास्य, अंगहार जैसे पारिभाषित शब्द भी केलिमाल के ध्रुपदों में आए हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी हरिदास जी के साहित्य में क्या योगदान है इसके विषय में मैं बताऊंगी। प्रकृति वर्णन, रूप चित्रण, प्रेम व्यंजना, अलंकार विधान इत्यादि बातें स्वामी जी के काव्य की विशेषताएं हैं। सामान्यतः स्वामी जी की भाषा ब्रज भाषा थी, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देसज शब्द भी हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कुछ शब्द मैं आपको बताऊंगी जो उनके केलिमाल ग्रंथ में बार बार आए हैं, बंदे, अख्तपार, दर, पिदर, सदके, विषाद, शतरंज, रुख, फील, पयादे जैसे शब्द भी इनके ग्रंथों में पाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी हरिदास जी का जीवन परिचय और उनका संगीत और साहित्य में योगदान। ये वीडियो अत्यधिक मेहनत और अत्यधिक गहन अध्ययन के आधार पर बनाया गया है। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात मुझ तक पहुंचाएं। धन्यवाद।